भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला जोहानिसबर्ग मैदान में खेला जा रहा है। क्या है पूरे दिन की हाईलाइट, आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम जोहानिसबर्ग में मेजबान साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है। इस मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 240 रन का लक्ष्य दिया है। मैच के चौथे दिन लगातार बारिश की वजह से 3 सेशन में खेल नहीं हो पाया, लेकिन बारिश रुकने के बाद चौथे सेशन में खेल शुरू किया गया। वीडियो रिकॉर्ड करने तक मैच की दूसरी पारी में प्रोटियाज ने 3 विकेट खोकर 190 रन बना लिए हैं। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मैच की दूसरी पारी में काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। 240 रन के टारगेट के जवाब में पहले विकेट के लिए डीन एल्गर ने माकरम ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और प्रोटियाज का पहला विकेट 47 रनों के स्कोर पर गिरा। माकरम को 31 रन के स्कोर पर शार्दुल ठाकुर ने पगबाद आउट किया, वहीं कीगन पीटरसन को अश्विन ने 28 रन के स्कोर पर LBW आउट करके पवेलियन भेजा। भारत की तीसरी सफलता समी ने वांडर डुसे को 40 रन पर आउट करके दिलवाई। भारत ने साउथ अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मैच में जीतने के लिए 240 रन का लक्ष्य दिया है और मेजबान टीम की बल्लेबाजी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं भारत ये मैच गंवा ना दे। आपको हमारी ये क्रिकेट रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।